मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी को चेटीचंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इष्टदेव झूलेलाल इस नववर्ष में हम सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे। हम सभी को, आप सभी को उनके आशीर्वाद से सुख समाधान आरोग्य ऐश्वर्य मिले और सबसे महत्व की बात, हम सभी को इस साल अच्छा स्वास्थ्य मिले, ऐसी मैं इष्टदेव झूलेलाल जी के सामने प्रार्थना करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है वो भी ठीक होगा राजू भाई, अगर झूलेलाल जी का आशीर्वाद होगा तो वो भी मनोकामना पूरी होगी। मुझे बहुत खुशी है कि हर वर्ष यहाँ पर एक बहुत सुंदर मेले का आयोजन होता है। ये मेला हमारी संस्कृति का प्रदर्शन करने वाला मेला है, ये मेला हमारे सामाजिक अभिसरण का मेला है, ये मेला हम सभी को साथ में लाकर हम एक परिवार है इस भावना को जागृत करने वाला मेला है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा जो सिंधी समाज है, जिसने बहुत विपदाएं सहन की है लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा, और उस संघर्ष के कारण ही इतनी विपदाओं से उबर कर भी आज पूरे विश्व में अपने वजूद को संवारने का काम हमारे सिंधी समाज ने किया है, और इसलिए ऐसे सभी लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, हमने कुछ निर्णय लिए और विशेष रूप से हमारे सिंधी भाइयों को उनके जो मालकी हक के पट्टे हैं, जो फ्री होल्ड के पट्टे हैं, उनको देने की शुरुआत हमने की। और हमने ये कहा कि जब ये लोग प्रताड़ित होकर वहाँ से आए थे, तो हमने उस समय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिंधी समाज को ये कहा था कि आप जहाँ जगह देते बस जाइए, आपको वही जगह की मालकी मिलेगी। लेकिन 70 साल निकल गए, वो मालकी नहीं मिली। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री होल्ड के पट्टे देने का काम हमने शुरू किया। आज मुझे इस बात का दुख है कि फिर एक बार उसमें कुछ रुकावट आई है, लेकिन चिंता मत करिए, झूलेलाल जी का आशीर्वाद है, सारी रुकावटें दूर होगी और सभी का काम हम करके दिखाएंगे। आज मुझे ये बात कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे अर्जुनदास जी कुकरेजा हो या फिर यहाँ पर अलग अलग प्रकार से हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से हमारे सिंधी समाज को एक नई पहचान दी, एक नया नाम दिया, और आज उसी परंपरा को हमारे विक्की जी भी यहाँ पर चला रहे हैं, हमारे सारे दोस्त यहाँ पर चला रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस मेले में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कोई होगी तो मुझे लगता है कि हम अपने इतिहास की याद जो सबको दिलाते हैं, क्योंकि कोई सिंधी ये न भूले कि उसका इतिहास ये स्वर्णिम इतिहास है, यह सबसे पुराना इतिहास है। दुनिया की सभ्यताओं की सबसे पुरानी सभ्यता के प्रतीक अगर कोई है तो वो हमारे सिंधी भाई है, हमारा सिंधी समाज है। और दोस्तों, सालों तक अंग्रेजों ने हमको इतिहास पढ़ाया, वही इतिहास हम पढ़ते रहे और हम लोगों को बताते रहे कि आर्य बाहर से आए थे, वो यहाँ आकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बसे। लेकिन अब इस इतिहास का पर्दाफाश हो गया और अब अभिजीत चावड़ा जैसे हिस्टोरियंस ने, प्रोफेसर शिंदे जैसे हिस्टोरियंस ने डीएनए के माध्यम से ये प्रस्तापित कर दिया कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति और सभ्यता कोई होगी तो सप्त सिंधु की सभ्यता है। दुनिया की दूसरी कोई भी सभ्यता हमारी सप्त सिंधु की सभ्यता से पुरानी नहीं है, और कोई आर्य बाहर से नहीं आए तो हमने दुनिया को सभ्यता दी। अब ये पूरे तरीके से दुनिया में डीएनए के माध्यम से एस्टेब्लिश हो चुका है, हम बाहर गए, हमने सभ्यता दी। दुनिया की सारी भाषाओं को अगर किसी ने जान दी है, अगर शब्द दिए हैं, तो हमारे संस्कृत ने, हमारी भारतीय भाषाओं ने उसको ये सारे शब्द दिए हैं। और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, वो इसी भारत में पैदा हुई और पूरे यूरोप में गई हुई है। तो भारतीयों को हमें यह स्वाभिमान होना चाहिए कि अब
हम बाहर से आए हुए नहीं है, हमारे से पुराना कोई नहीं है। इस विश्व के सबसे पुराने अगर कोई होगे, पुरानी सभ्यता कोई होगी, तो वो हमारी सभ्यता है। और इतना ही नहीं, तो हमें ये भी झूठा पढ़ाया गया कि आर्य अलग है, द्रविड़ अलग है। लेकिन अब R1A1ATNA इसके माध्यम से ये भी एस्टेब्लिश हो गया कि चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो पश्चिम का गुजरात हो, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ हो, चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण हो, हम सभी का डीएनए एक है। और वो सारा डीएनए सप्त सिंधु की सभ्यता से आया हुआ डीएनए है। तो ये भी आज सारे साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से पता चला है। और इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये सप्त सिंधु की सभ्यता क्या है इसके बारे में बताइए। उनके मन में कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। वे एक ऐसे परिवार से, एक ऐसी संस्कृति से, एक ऐसी धरोहर से आते हैं जिस धरोहर ने दुनिया को विचार दिया, संस्कृति दी, भाषा दी, दुनिया को जीने का तौर तरीका सिखाया। और उसका स्वाभिमान भी हमको होना चाहिए, और उसका अभिमान भी हमको होना चाहिए। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि ये केवल मेला नहीं है, तो हमारी संस्कृति की याद फिर एक बार ताज़ा करने का एक ऐसा मकाम है जिसमें आने वाली पीढ़ियाँ फिर एक बार हमारे समाज को उसी ऊंचाई पर ले जाएगी जिस ऊंचाई के हम हकदार हैं और जिस ऊंचाई पर हम रहे हैं। और इसलिए इस मेले के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान झूलेलाल से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी ही हमारे भारत देश को वो मकाम मिले कि जिस मकाम में सप्त सिंधु की संस्कृति को फिर एक बार हम पुनर्जीवित कर पाए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।